भाई चीनी राष्ट्रपति 2 दिन के लिए इंडिया आए हुए थे, और ऐसा कम ही होता है कि कोई चीनी हमें बताकर इंडिया आया हो, वरना तो कई लोग, खैर छोड़ो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। चीनी राष्ट्रपति 2 दिन के लिए हिंदुस्तान आए और टीवी वाले ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनका असली नाम क्या है। कोई उन्हें शिंगपिंग बुला रहा था, कोई उन्हें फिंचिंग बुला रहा था, कोई उन्हें चिनफिन बुला रहा था। बाय गॉड की कसम, अगर एक दिन और वो इंडिया रुकते तो कोई उन्हें सेफ्टी पिन और ऑल पिन भी बुला सकता था। वैसे आपको बता दूं कि चीन के राष्ट्रपति का असली नाम शी जिनपिंग है, मगर राहुल गांधी ये सोचकर कंफ्यूज हो रहे थे कि जब चीन के राष्ट्रपति मर्द हैं, आदमी हैं, तो उनका नाम शी जिनपिंग क्यों है, उनका तो ही जिनपिंग होना चाहिए। वैसे राहुल गांधी जी का तो क्या ही कहना, उन्हें तो काफी टाइम तक ये भी लगता था कि भारत में जिस लिनचिंग की बात हो रही है वो भी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का कजिन है। जोकिंग है, ठीक है। वैसे मुझे पर्सनली ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे टीवी चैनल वालों, न्यूज चैनल वालों को महाशब्द से क्या प्यार है। महा जिनपिंग के दौरे के दौरान लगभग हर चैनल पर हेडलाइन चल रही थी, महाबलीपुरम में महाशक्तियों की महामुलाकात पर देखिए हमारी महा कवरेज। मैंने टीवी वाले को पूछा, इधर भाई, इधर इधर ये हेडलाइन क्या है यहाँ, तुम लोग मूर्ख हो क्या? उसने कहा, नहीं, हम लोग महामूर्ख हैं। सच में, मतलब टीवी वालों का कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। टीवी पर चुनाव नहीं होते, महा चुनाव होते हैं। टीवी पर नतीजे नहीं आते, महा नतीजे आते हैं। और तो और, हम लोग ढाबे पर जाकर शाही पनीर ऑर्डर करते हैं, टीवी वाला कहता है, जाओ भैया एक महा शाही पनीर ले आओ। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन अब मैं आपको कुछ अंदर की बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे अलावा ना हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं बताया, हिंदुस्तान के चीन में भी आपको कोई नहीं बताया। और बात यह है कि मोदी जी से बात करते हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया कि मोदी जी देखिए, हमको इससे घंटा नहीं फर्क पड़ता है कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हो। मैं मां कसम खाकर कहता हूं कि आज के बाद हम लद्दाख पर भी अपना दावा छोड़ देंगे, अपनी जबान पर हम कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम नहीं आने देंगे। और मैं अपने सगे बाप की कसम खा के कहता हूं कि हम इंडिया में घुसपैठ भी बंद कर देंगे, आप जो कहेंगे मैं सब कर दूंगा। आप कहेंगे तो मैं खुद चीन से दिवाली वाली झालर लाकर आपके घर पर डेकोरेशन भी कर दूंगा, मगर भगवान के लिए, भगवान के लिए, आप इंडिया वाले आज इसी वक्त चाउमीन में पनीर डालना बंद कर दो। वाहेगुरु जी जी छो, ऐसा मत करो। इतना ही नहीं, ये बोलते बोलते जिनपिंग मोदी के पैरों में गिर गए और फफक के रो पड़े और बोले, मोदी जी हम आपके नक्शे के साथ छेड़छाड़ करते तो आपको कितना बुरा लगता है? उसी तरह जब आप हमारी डिश के साथ छेड़छाड़ करते तो सोचिए हमें कितना बुरा लगता होगा। सॉरी दिल यहाँ है, हाँ, हमें कितना बुरा लगता होगा। आप ही बताइए आपको कैसा लगेगा अगर आपकी खिचड़ी में कोई खरगोश डाल दे और आपके ढोकले में कोई चूहे की स्टफिंग कर दे। खबर है कि इसके बाद मोदी जी ने जिनपिंग को गले लगाकर चुप कराया। चुप हो नहीं रहे, जैसे तैसे उन्होंने कोशिश की और चुप कराने के बाद उन्होंने कहा, ए दो चाय लाओ समोसे के साथ। मगर जिनपिंग ने जैसे ही समोसे की पहली बाइट तोड़ के खाई, जिनपिंग ने अपना सर दीवार में मार लिया। बाद में ये पता चला कि रेस्टोरेंट वाले ने उन्हें गलती से चाउमीन समोसा भेज दिया था। खैर, अब बात थोड़ी सीरियस, और बात यह है कि मोदी जी ने महाबलीपुरम में ही बीच पर जो सफाई की थी, उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है। इन लोगों को बीच की सफाई पर वैसी ही तकलीफ हुई है जैसे सुबह सुबह पेट की सफाई न होने पर आपको होती है। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कैमरे के सामने बीच पर सफाई करके नौटंकी कर रहे हैं, और ये बात वो लोग कह रहे हैं जो खुद खाने के बाद अपना हाथ को पैंट में ही रगड़ के साफ कर लेते हैं और मुँह ऐसे। मोदी जी के बीच साफ करने से ये लोग इतने तकलीफ में हैं कि उसी बीच पर अपने 15-20 साथियों के साथ हगने भी जा सकते। यहाँ साफ किया ना मोदी ने, चलो लोटा लेके यहाँ पे टट्टी करें। मतलब हद है यार, मोदी कुछ भी करें इनको नौटंकी लगती है। फेसबुक पर बंदे को 50 लाइक, फेसबुक पर कई लोग ऐसे हैं, आपने भी देखा होगा, 50 लाइक आने पर भी उनको लगता है कि वो एक मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं, उसे लगता है वो एक समाज को सुधार सकते हैं। खाने के बाद जूठी प्लेट रसोई में न रखने वाला बंदा भी ट्विटर पर दुनिया को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा होता है। वेरी गुड। और तो और, यहाँ एक आदमी जो 130 करोड़ लोगों का मुखिया है, यानी देश का प्रधानमंत्री, जिसे लोगों ने चुना है, वो अगर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ करता है तो इन लोगों को नौटंकी लगती है। बस करो मेरा भाई, विरोध के लिए ही विरोध करते रहोगे क्या? मोदी जी साफ सफाई रखने को कहते हैं तो तुम लोग नहाना छोड़ देते हो, मोदी जी बड़ों का सम्मान करने को कहते हैं तो तुम अपने सगे बाप को, ओए छोटू इधर आ, ये बोलने लगते हो। मोदी जी सुबह जल्दी उठने को अगर कहें तो तुम सारी रात उल्लू के साथ
चेस खेल कर निकाल देते हो। मुझे तो शक है कि किसी दिन मोदी जी ने अगर तुमसे ये कह दिया कि भाई साहब तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तो इस बात पर तुम ही कहोगे कि नहीं मोदी जी झूठ क्यों बोल रहे हो, सारी दुनिया जानती है कि मैं एक नंबर का घटिया जबरदस्त मतलब शानदार। ऐसे लोगों को सुधारने के लिए मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप उन सारे लोगों तक पहुँचाएं, जरूर शेयर करें इस वीडियो को, बाकी चैनल तो सब्सक्राइब करना जरूरी है और ये बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वीडियो नया अपलोड होता है तो आपको इसी घंटी के दबाने की वजह से नोटिफिकेशन भी आता है। बाकी हमारा मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS यूजर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा दूसरा वाला चैनल भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्यों, उस पर बउआ नामक कुछ सामान है। नमस्ते अंकिल, जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद।